हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइव विद पुनीता। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। हैप्पी होलिका दहन। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ब्लॉग है, मैंने इस पर कोई रेसिपी शेयर नहीं की है आप सभी के साथ। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ होलिका दहन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मैं सुबह उठी थी और मैंने डस्टिंग वगैरह करके खाना वगैरह बना के मैं ये उपटन पीस रही हूँ बच्चों को लगाने के लिए। हमारे यहाँ हर होलिका दहन पे हम बच्चों को उपटन लगाते हैं, हस्बैंड को लगाते हैं, मैं खुद भी लगाती हूँ। उपटन का जो ये मैल निकलता है, इसे हम होलिका में डाल देते हैं। माना जाता है कि होलिका माता रोग व्याध सब अपने साथ लेकर जाती हैं। हम ये उपटन डालकर प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये साल था वैसे सब साल बीते। फ्रेंड्स, लेकिन 2020 के जैसा कोई साल ना बीते। 2020 हम सभी के लिए बहुत बुरा गया। मैं छत पर बच्चों को उपटन लगा रही थी, धूप भी काफ़ी तगड़ा था, पर मैं छांव में बैठ के बच्चों को लगा रही थी कि वहाँ जितनी भी गंदगी होगी मैं वहीं से उठा के उसे पैक करके दे दूँगी। हस्बैंड या रुपेश होलिका में जाके रख देंगे इस उपटन को। बच्चे काफ़ी खुश थे उपटन को लगवाते समय। और मैं उपटन लगाने के बाद शाम की पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज जो है मेरा पूर्णिमा का व्रत है और मैं शाम को पूजा करती हूँ। पूर्णिमा की पूजा मैं छत पर ही करती हूँ। छत को काफ़ी पहले मैंने धो दिया था इसलिए छत सूख गया था। और फिर फ्रेंड्स, मैं गाय के गोबर से थोड़ी से फर्श को लीप देती हूँ। हमारे यहाँ गाय के गोबर से लीपना बहुत शुभ माना जाता है, शुद्ध होता है गाय का गोबर। तो मैंने कुछ थोड़ी सी जगह को लीप दिया है और फिर उस पर मैं हल्दी और आटा लगा के एक रंगोली बनाई है और उसे मैं रोड़ी से टीक रही हूँ। फिर मैं घी से बने 15 दीयों को किनारे किनारे लगा दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने जब इस व्रत को उठाया था तो एक मंथ में एक दिया जलाया था, दो मंथ में दो दिए, और मेरे ये 15 मंथ पूरे हुए हैं तो मैं 15 दिए जला रही हूँ। फिर चावल की ढेर के ऊपर मैंने एक दिया जला दिया है। मैं इसे जलाकर पूरी पूजा करूँगी, कहानी पढ़ूँगी, और जब चंद्रमा उदय हो जाएंगे तो मैं इस 15 दीयों को भी जला दूँगी। और फिर मैंने गौरी गणेश बनाई है, उन्हें रख दिया है, और ये रोज़ के पंखुड़ी जो है उन्हें मैं फैला देती हूँ। फिर पीतल की थाली में मैं सफ़ेद चंदन से चंद्रमा का आकार दूंगी। मैं गोल चंद्रमा बनाऊंगी, आधे चंद्रमा का पूजा नहीं होता है। और मैं कॉटन की सहायता से ये चंद्रमा बना रही हूँ। फिर मैं इनमें आँख, नाक और मुँह बनाऊँगी। अब फ्रेंड्स, मैं चांदी का चंद्रमा भी रखती हूँ। जब मैं पूरा चंद्रमा बना लेती हूँ तो इनके बीच में मैं चांदी का चंद्रमा रख देती हूँ। चांदी का चंद्रमा ज़रूर रखना चाहिए पूर्णिमा व्रत में। चंद्रमा बनाने के बाद मैं इन्हें स्टडी टेबल पर रख देती हूँ और फिर मैं गौरी गणेश की पहली पूजा करती हूँ, फिर शिव जी की करती हूँ। और फिर मैं जब चंद्रमा निकल जाते हैं तो मैं इस चंद्रमा पर रख देती हूँ। अब मैं धूप जलाने के बाद पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ूँगी और अपने पति और बच्चों की लंबी आयु की कामना करूंगी। और पूजा करने के बाद मैं आरती करती हूं। जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं अर्घ देने के बाद उनको मैं आरती करती हूं। फ्रेंड्स, ये देखिए चंद्रमा उग गए हैं और मैं अपनी आरती कंप्लीट कर ली है। फिर मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि मैं शनिवार को सिर्फ गुजिया और शक्करपारी ही बनाए थे और बाकी स्नैक्स बनाने बाकी थे। मैं आज व्रत थी इसलिए मैंने शनिवार को ही गुजिया और शक्करपारी बना लिए, क्योंकि व्रत में उतना वर्क नहीं हो पाता है। तो मैंने आधा कल बना लिया था, आधे स्नैक्स मैं आज बनाऊंगी। ये मैं सेवड़े की नमकीन की तैयारी कर रही हूँ और मठरी की तैयारी कर रही हूँ, मेथी मठरी की तैयारी। मठरी बनाने के लिए पहले मैंने मैदे को मोयन किया, घी से मोयन किया। फ्रेंड्स, मैंने मोयन अपनी गुजिया रेसिपी में दिखाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। मोयन कंप्लीट होने के बाद मैंने इसमें कस्तूरी मेथी, नमक और कलौजी डाली है और इसे अच्छी तरीके से गूंथ रही हूं। और फ्रेंड्स, मैंने आधे आटे को अलग गूंथा था और आधे आटे को अलग गूंथा था। ये मैं सेवड़े की तैयारी कर रही हूँ, नमकीन की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बड़ा सा लोई लिया और उसे मैं पतला बेल रही हूँ। ये रोटी काफ़ी बड़ी हो गई थी, मेरे चकले से बाहर जा रही थी, इसलिए मैंने इसे चार भाग में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि नमकीन के लिए हमें बहुत पतली रोटी चाहिए और ये काफ़ी मोटी थी। और मैंने चार भाग में डिवाइड करने के बाद एक भाग को लेके उसे काफ़ी पतला बेल दिया था कि मुझे आर पार दिखने लगा था हल्का हल्का। और इसे बेलने के बाद फिर मैं इसे
नाइफ की मदद से इसे मैं पतली पतली पट्टियों में काट लेती हूँ। पतली पतली पट्टियाँ काटने के बाद मैंने इसे क्यूब का शेप दिया था। फ्रेंड्स, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद हो आप उस तरह से शेप दे सकते हैं। मैंने इसे ये शेप दिया था। मैं अक्सर इसी शेप में काट के इस नमकीन को बनाती हूँ, और आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। इसको नमकीन काफ़ी कुरकुरी बनी थी क्योंकि मोयन बहुत अच्छा गया था इसमें, इसलिए नमकीन भी काफ़ी अच्छी बनी। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया। अब पहले मैंने एक नमकीन को डाल के देखा, वो अच्छी तरीके से फूल गया। फिर मैंने थोड़े थोड़े करके सभी नमकीन को फ्राई कर लिया, और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरीके से नमकीन फूल रही है, आप देख सकते हैं। और इसे सुनहरा गोल्डन होने तक मैं भूनूंगी। बाहर काफ़ी शोर हो रहा था क्योंकि होलिका दहन की तैयारी हो रही थी, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, मेरे भी बच्चे वहीं पे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। होलिका दहन की तैयारी हो रही थी, बच्चे डांस कर रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, नमकीन मेरा सुनहरा हो रहा है, और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और नमकीन अब फ्राई हो गई है, अब मैं इसे निकाल दूँगी। मैंने स्नैक्स बनाने से पहले डिनर तैयार कर लिया था क्योंकि कल काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैंने आज जल्दी ही डिनर बना लिया था कि बच्चों को भूख लगेगी तब मैं उन्हें खाना दे दूँगी। सारे नमकीन फ्राई हो गए हैं, अब मैं मेथी मटरी की तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैंने थोड़ा थिक ही बेला था, और मैंने किनारों को कट करके इसे एक रेक्टेंगल का आकार दे दिया है। फिर मैं बीच से पतली पतली पट्टियाँ काट लूँगी, बहुत पतली नहीं फ्रेंड, थोड़ी मोटी। अब फिर मैं बीच में एक और कट कर दूंगी। मैंने मटरियों को फिंगर चिप्स का आकार दिया था, और ये देखिए फ्रेंड्स, इस आकार का मैंने मटरी को कट किया था। और अब मैं मटरी को ही फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, मटरी को मैं लो फ्लेम पे ही फ्राई करती हूँ, हाई फ्लेम पे इसे नहीं करती हूँ क्योंकि ये थिक होता है, तो ये हाई फ्लेम पर तलने पर ये ऊपर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रहेगा, इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। और मैंने आधी मटरियों को फ्राई कर लिया है, ये नमकीन है मेरा, और ये मेरी फ्राई हो गई है। देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। मैंने सारी मटरियों को फ्राई कर लिया है। आज मेरा काम जल्दी ही ख़त्म हो गया क्योंकि मैं व्रत थी, इसलिए मैंने काम को जल्दी जल्दी निपटा लिया क्योंकि दो दिन से मैं स्नैक्स ही बना रही हूँ। मैं व्रत थी इसलिए मैंने आधे काम शनिवार को ही निपटा लिए थे। गुजिया और शक्कर पारों को मैंने शनिवार को ही बना लिया था, और नमकीन और मटरी मैंने आज बनाई है, इसलिए मुझे ज़्यादा थकावट नहीं हुई। ये देखिए फ्रेंड्स, होलिका दहन हो गई हमारे यहाँ। हम छत पर से देख रहे थे, मैं मेरे बच्चे, हम छत पर से ही देख रहे थे। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मैंने ब्लॉग को यहीं समाप्त किया है। गुड नाइट फ्रेंड्स।